हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। तो आज 20 दिसंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके लेके आ गया हूँ। देखिए, वीडियो देर से अपलोड हो रही है वो मुझे भी पता है, बट सारे के सारे क्वेश्चन ओरिजिनल है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, जो स्टूडेंट ने भेजे हैं, वो मैं लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा लेट वीडियो को देख लीजिए, बट देखिए वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, जिन बच्चों का भी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो प्लीज़ आप उस व्हाट्सअप नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ठीक है। और आगे की सभी शिफ्ट का नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको बिल्कुल रियल क्वेश्चन मिलते रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं छोटी सी, प्लीज वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, ओवरऑल जो आपका एग्जाम रहा है बहुत ही सिंपल रहा है। अगर आपने ALP और ग्रुप डी के सारे पेपर के एनालिसिस देखे होंगे, तो 50% क्वेश्चन उसमें से पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है ग्रुप डी के सभी पेपर के एनालिसिस की। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्जाम में, क्योंकि मैंने उस पेपर का भी एनालिसिस किया था और ये पेपर भी मैंने बहुत ही नज़दीक से देख लिया है, क्योंकि मतलब डायरेक्ट बच्चों से बात हो रही है मेरी, तो उनसे पता चल रहा है कि क्वेश्चन बिल्कुल वही पूछे जा रहे हैं जो ग्रुप डी में थे। तो अभी देख भी लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने दिया होगा ग्रुप डी का एग्जाम, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, यहां पे पहला क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। बैटल ऑफ प्लासी, तो ये कब हुआ था? 1757, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊबर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, ये आपका पूछा गया था, ठीक है। सिंबल ऑफ पोटेशियम, तो सिंबल ऑफ पोटेशियम क्या है? के हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करेंसी ऑफ रशिया, ये तब भी पूछा गया था आपका और अभी भी पूछ लिया गया है, तो रशियन रूबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके, ठीक है, टॉपिक स्टडी। और नेक्स्ट आपका कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन आए हैं, तो आप समझ रहे होंगे, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं क्या किस तरीके से आपको बताऊं कि बिल्कुल डिट्टो आपका ग्रुप डी का और जो ALP वाला पेपर था वही पेपर मेरे को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल करेंसी ये सब कुछ पहले पूछी जा चुकी है। तो यहाँ कैपिटल ऑफ मणिपुर क्या हो जाएगी? इम्फाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डेविड बेकम किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल, तो इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ स्नेक्स को क्या बोला जाता है? पेंटोलॉजी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सी लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन को देखकर ही पता चलता कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे KOH राइट आंसर बन जाएगा। देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री भी पहले पूछा गया था, तो ये अभी भी पूछा गया है, JP नड्डा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र गोहन किस स्टेट के MP हैं? तो ये असम राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, तो बिल्कुल सिंपल सा, बहुत ही आसान सा और रिपीटेड क्वेश्चन, 46, अगर पेयर यहाँ पे पूछ जाते तो 23 हो जाता, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था कि रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं? तो ये मार्स हो जाएगा। देखिए, अगर आपका रेड पूछा गया तो नेक्स्ट आपका ब्लू प्लेनेट पूछा जाएगा, जिसको अर्थ हो जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके से आपको ये क्वेश्चन ग्रीन प्लेनेट पूछ ले जाएगा, ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो आप टॉपिक को देख लीजिए, टॉपिक को नोट कर लीजिए, टॉपिक भी मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटल ऑफ मणिपुर मैंने बता ही दिया, ये टॉपिक हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जो कि टॉपिक था ग्रुप डी के एग्जाम में भी, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन बनते थे, तो आपको दोबारा पढ़ लीजिए, या फिर जो मैं अभी आपको प्लेलिस्ट नीचे देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उसमें ग्रुप डी की सारी वीडियोज़ का मतलब डेली जो एनालिसिस करता था मैं, वो सारी वीडियोज़ हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहेंगे आपके लिए। कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ह्यूमन बॉडी के से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है, स्पोर्ट से क्वेश्चन है, स्टैटिक GK से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं पहले आपको करा चुका हूँ, बट दोबारा से बता देता हूँ। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? हीराकुंड डैम है, और जो सबसे ऊंचा डैम बोला जाए तो तिरी डैम है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। कौन से देश में दोहरी नागरिकता दी जाती है? तो ऑप्शन के हिसाब से बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश है जिसमें दोहरी नागरिकता दी जाती है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? ये पुरी में है, उड़ीसा।
ग्राम पंचायत के चुनाव में कौन कौन कराता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। देव समाज के संस्थापक कौन है, तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है, ये लेड और टिन हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटवुड की उपाधि वापस की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा हुरिकेन के नाम से किसी प्लेयर को जाना जाता है, ये कपिल देव हो जाएगा। संज्ञेय न्यायपालिका किस भाग में आती है, भाग पांच में आती है। तो ये दोस्तों इनमें से 50% क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि रिपीटेड है। वोडाफोन आइडिया का अभी विलय हुआ था, तो उनके सीईओ कौन बने हैं, तो ये बलेश शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी वस्तु का भार उससे अधिक कहाँ होगा, ये निर्वात में होगा क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। ठीक है भाई, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का यूज होता है, कौन सी गैस भरी होती है, तो फ्रेन गैस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप किस देश का संविधान लिखित नहीं है, तो ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, हिपरेन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे तो मुझे बिल्कुल रिपीटेड ही लग रहे हैं। भारत में स्थानीय स्वास्थ्य किसने शुरू किया, स्थानीय स्वशासन सॉरी किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी, तो ये सामजी कृष्णा वर्मा राइट आंसर हो जाएगा। WHO ने टीबी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य कब तक का लिया है, 2030 तक का। ये क्वेश्चन मैं अभी सुबह वाली शिफ्ट में करा चुका हूँ, बट वो केवल 2000 बच्चों ने देखी है क्योंकि उसमें आपका नोटिफिकेशन नहीं गया था वीडियो का, तो आपको पता नहीं चला होगा, तो इसलिए मैं दोबारा से इसको कर रहा हूँ। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, अमेंडसन राइट आंसर हो जाएगा। और गुड अर्थ बुक किसने लिखी थी, ये PL S Buck राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, ये MP को जाना जाता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट, अजम्पशन और सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन फिर दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, अब दोबारा से फिर आपके RPF कॉन्स्टेबल में पूछे जा रहे हैं, SI में ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। सीरीज से काउंटिंग फिगर का भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है, कोडिंग डिकोडिंग का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। सीटिंग अरेंजमेंट आपका नहीं पूछा जा रहा है कॉन्स्टेबल में, और SI में सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए क्योंकि अब यहाँ पे मिक्स एग्जाम चल रहे हैं। आपका कल SI का था, आज कॉन्स्टेबल का है, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम चल रहे हैं। मिरर और वाटर इमेज से क्वेश्चन, एनालॉगी हो गया आपका, फिगर हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गया, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, नोट कर लीजिए, ये जो चैप्टर है ना जो मैंने सारे करा रखे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर जो आपने पढ़ा है उसमें से मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है, तो बहुत खुशी होती है ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन। SICI में आपका एक क्वेश्चन था डिफरेंस बेस, वो क्वेश्चन नहीं मिला है, बट मैं अपनी तरफ से आपको रात को करा दूंगा डिफरेंस बेस क्वेश्चन। ठीक है भाई, एक एवरेज का आपको क्वेश्चन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था, मेंसुरेशन 3D में एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अब जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये SI में DI पूछी जा रही है, बट कॉन्स्टेबल में DI नहीं पूछी जा रही है। एज से क्वेश्चन था, टिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन कॉन्स्टेबल में नहीं है, SI में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से पूरा पेपर का एनालिसिस मैं कर दिया है। इसमें अभी आपको क्वेश्चन भेजने हैं मेरे को इस नंबर पे, ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल मत करिएगा। अगर आप इस पे मुझे मैसेज करते हैं, कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, बस आप व्हाट्सएप कॉल भी मत करिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे अगर आप कॉल और ये अननेसेसरी मैसेज करते हैं तो उसमें बहुत सारे मैसेज ऐसे मतलब नीचे चले जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जितना हो सके क्वेश्चन भेजने की कोशिश करिएगा, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं यही बोलूँगा, अगर आपने ग्रुप डी के पेपर के एनालिसिस नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का एक तरफ से लगा के पूरी वीडियोज़ को देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये, मतलब गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो नंबर नोट कर लीजिए, और आप मुझे डायरेक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चन या मैसेज कर सकते हैं। आपको सर्च करना है सौरभ मलिक, SAURABH
MALIK, या तो आप मेरी पर्सनल आईडी पे जाके फॉलो कर सकते हैं, या फिर टॉपिक स्टडी पे सर्च कर लीजिएगा TOPIC STUDY। आप कहीं पे भी टॉपिक स्टडी को सर्च करिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पे भी, मतलब टेलीग्राम पे, सॉरी, तो वहीं पे आपको टॉपिक स्टडी का मतलब ग्रुप, फेसबुक पेज, सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके। और रात को वीडियो होगी, 10 से 10 बजे मैं अपलोड कर दूंगा, तो 10 बजे वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जितना भी मुझे मिल पाएगा अभी से मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, और 10 बजे तक जितना भी मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।